हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसए एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 9 की मोमेंट्स बुक से चैप्टर 5, द हैप्पी प्रिंस, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। पहला सेगमेंट है थिंक अबाउट इट। व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? जो कोर्टियर्स थे वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहलाते थे, या क्या वो प्रिंस जो है वाकई में खुश था? वो अपने आसपास क्या देखता था? The courtiers used to call the prince the happy prince because when he was alive, he did not know what the tears were, for he lived in the palace where sorrow was not allowed to enter. Courtiers जो हैं वो prince को the happy prince इसलिए कहते थे क्योंकि जब ये prince जिंदा था तब इसको पता नहीं था आंसू क्या होते हैं, क्योंकि वो हमेशा palace में रहा जहाँ पर दुख को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। No, he was not happy anymore. अब वो जो है बिल्कुल भी खुश नहीं थे। When he died, he was made into a statue and placed at a height from where he could see the ugliness and poverty in the city. जब उनकी डेथ हुई तो उनको एक स्टैचू के रूप में एक काफी हाइट पर खड़ा कर दिया गया, उनका स्टैचू, जहां से उनको जो सिटी की गरीबी थी, गंदगी थी, जो सब खराबियां होती हैं वो दिखाई देती थी। इसकी वजह से जो प्रिंस थे वो खुश बिल्कुल नहीं थे। Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? Happy prince ने रूबी जो है seamstress के यहाँ क्यों भेजा? Swallow ने क्या किया seamstress के घर जाकर? The happy prince sent the ruby for the seamstress because she was poor and her son was ill with fever. Happy prince ने रूबी जो है seamstress के घर इसलिए भेजा क्योंकि वो बहुत गरीब थी और उसका जो बेटा था वो बुखार से काफी ज्यादा बीमार था। Her son was asked her to give him oranges, but all she has is river water. उसके बेटे ने उससे कहा कि मेरे को ऑरेंजेस खाने को दे दो, लेकिन घर में जो है सिर्फ रिवर वाटर के अलावा कुछ नहीं था। द स्वैलो हैज रिक्वेस्टेड बाय द हैप्पी प्रिंस टू विजिट एंड गिव द रूबी टू द सीमस्ट्रेस। स्वैलो को जो है हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट करी कि तुम उसके घर जाओ और रूबी जो है वो सीमस्ट्रेस को दे आओ। व्हेन द स्वैलो रीच्ड हर हाउस शी वाज एस्लीप एंड द लिटिल बॉय वाज टॉसिंग फीवरिशली। जब स्वैलो उनके घर पहुंची तो जो सीमस्ट्रेस थी वो तो सो रही थी, लेकिन जो उसका बेटा था वो बुखार की वजह से तड़प रहा था, उलट पलट रहा था। द स्वैलो कैप्ट द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड्स हर थिम्बल। स्वैलो ने क्या किया, रूबी जो है वो टेबल पर रख दिया, जहाँ पर उसका थिम्बल रखा था उसके बगल में उसने रूबी को रख दिया। थिम्बल जो एक मेटल पीस होता है जो उंगली में पहनते हैं जब हम सिलते हैं सुई से, तो हाथ में सुई ना चुभ जाए उसके लिए। ही देन जेंटली वेंट अराउंड द बॉयज बेड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग। उसके बाद जो है वो बॉय जो यहाँ पे उनका बेटा लेटा हुआ था बेड पे, उसके पास गई, वहां अपने पंखों से उसको थोड़ा सा माथे पे हवा करी। तब बॉय फेल्ट बेटर एंड वेंट इनटू अ डीप स्लीप। तब जो बच्चा था उसको उससे कुछ आराम मिला और फिर वो जो है गहरी नींद में सो गया। फॉर हुम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड व्हाई? अब प्रिंस ने सफायर्स किसके लिए भेजे और क्यों? द प्रिंस सेंड द टू सफायर्स ऑफ हिज आईज फॉर अ यंग राइटर एंड अ मैच गर्ल ईच। प्रिंस ने जो है अपने दोनों जो आंखों में सफायर्स लगे थे उनको एक यंग राइटर के लिए और एक जो मैच गर्ल थी उसके पास भेजे। द यंग राइटर वॉज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही वॉज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। जो यंग राइटर था वो कोशिश कर रहा था कि एक डायरेक्टर जो थिएटर के हैं उनके लिए एक प्ले लिखना था, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो है वो लिख नहीं पा रहा था। देयर वॉज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर मेड हिम फेंट। एक तो घर में ना चूल्हा जल रहा था ना आग जल रही थी और भूख से क्या कहते हैं वो बिल्कुल बेहाल था, इतना ज़्यादा कि बेहोश सा हो रहा था, तो वो प्ले अपना पूरा नहीं कर पा रहा था। द हैप्पी प्रिंस सेंट वन ऑफ द सफायर्स ऑफ हिज आईज टू हिम सो दैट ही कुड सेल इट टू द ज्वेलर बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले। अब ये जो हैप्पी प्रिंस थे इन्होंने अपना एक सफायर जो है आँख का निकाल के उसके पास भेजा ताकि वो उसको बेच कर ज्वेलर के पास से कुछ फायरवुड खरीद ले, जिससे उसको गर्माहट मिले, थोड़ा सा खा ले और उसके बाद अपने प्ले को फिनिश कर ले। द मैच गर्ल्स मैचेस फेल इन द गटर एंड गॉट स्पॉइल्ड। अब जो मैच गर्ल थी उसकी मैचेस जो है गटर में गिर गई जिसकी वजह से सब खराब हो गई। शी वॉज क्राइंग एज हर फादर वुड बीट हर फॉर दिस मिस्टेक। अब वो रो इसलिए रही थी कि उसको ये डर था कि उसके फादर जो है इस गलती के लिए उसको मारेंगे। The happy prince sent the other sapphire to her so that she would not get beaten up when her father sees the gem she has got. तो जो happy prince थे उन्होंने दूसरा sapphire उसके लिए इसलिए भेजा ताकि उसको जो है घर जाकर मार ना पड़े जब उसके father जो है उसको gems देखेंगे उसके हाथ में, तो वो जो है उसको नहीं मारेंगे। What does the swallow see when it flies over the city?
अब स्वेलो ने क्या देखा जब वो शहर के ऊपर से उड़ रही थी। When the swallow flies over the city, it sees the sharp difference between the lives of the rich and the poor. तो उसको एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया जो रिच होते हैं या जो पुअर होते हैं उनकी जिंदगियों के बीच में। He sees the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gate. उसने देखा कि जो रिच लोग हैं वो तो अपने अच्छे अच्छे घरों में खूब इंजॉय कर रहे हैं, जबकि जो गरीब लोग हैं बेगर्स की तरह वो उनके गेट के बाहर बैठे हुए हैं। He flies into the dark lanes and see the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. अब वो जो है अंधेरी गलियों से उड़ रही थी, वहाँ उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो भूख से उनके चेहरे सफ़ेद हो गए हैं और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना काली सड़कों पे उनके सफ़ेद सफ़ेद चेहरे जो हैं वो चमक रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो लोग जो है भूख से बेहाल हैं। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? अब swallow जो है prince को छोड़कर Egypt क्यों नहीं गई? The swallow did not leave the prince and go to Egypt. Swallow जो है prince को छोड़कर Egypt नहीं गई। The prince had become blind after giving away his sapphires to the needy people. जो prince थे वो अंधे हो चुके थे क्योंकि उनके जो दोनों आँखों के sapphires थे वो उन्होंने जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको भिजवा दिए थे। The swallow decided to stay with the prince as he was so touched with his kindness. और स्वेलो ने ये डिसाइड किया कि वो जो है प्रिंस के साथ ही रहेगी क्योंकि वो उसकी जो एक काइंडनेस थी एक दयालुता थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, व्हाई आर दे प्रेशियस? कौन सी ऐसी कीमती चीज़ें हैं जो स्टोरी में मेंशन करी गई हैं और वो क्यों इतनी कीमती हैं? द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी आर द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड। जो लेड का बना हुआ ग्रे कलर का जो हार्ट था हैप्पी प्रिंस का वो और जो डेड बर्ड थी ये काफ़ी कीमती चीज़ें हैं। दे आर प्रेशियस बिकॉज दे वर जेनरस इन काइंड। ये इसलिए प्रेशियस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जेनरस थे बहुत ज़्यादा काइंड थे। द हैप्पी प्रिंस सेक्रीफाइज द रूबी ऑफ हिज स्वॉर्ड सो दैट द पुअर सीमस्ट्रेस कुड गेट हर सन्स फीवर ट्रीटेड। जो हैप्पी प्रिंस थे उन्होंने अपने स्वॉर्ड का जो रूबी है वो निकाल कर एक पुअर सीमस्ट्रेस के घर भिजवा दिया ताकि उनके जो सन है उसके बुखार का ट्रीटमेंट हो सके। He even went on to sacrifice his sapphire eyes and become blind. उन्होंने अपनी आँखें जो थी sapphire की बनी हुई उनको भी sacrifice कर दिया और blind हो गए। He kept giving away the gold leaves of his statue to be helpful to the poor and needy. उनके जो statue में gold leaves लगी थी उन्होंने वो भी जो है दान कर दी ताकि जो गरीब और needy है उनकी मदद कर सकें। The bird sacrificed his wish of going to Egypt with his friends and stayed with the happy princess. जो बर्ड थी उसने भी अपनी जो इच्छा थी इजिप्ट जाने की उसको सेक्रीफाइस कर दिया और जो फ्रेंड्स जा रहे थे इजिप्ट उनके साथ नहीं गई और हैप्पी प्रिंस के साथ हो गई। ही अल्टीमेटली सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू स्टे विद द प्रिंस एंड हेल्प पीपल। फाइनली उसने अपनी ज़िंदगी तक सेक्रीफाइस कर दी ताकि वो प्रिंस के साथ रह सके और लोगों की मदद कर सके। दस वन गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स द एंजल ब्रॉट द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड। जब गॉड ने अपने एंजल से कहा कि जाकर तुम दो सबसे प्रेशियस चीज़ लेके आओ तो एंजल जो है वो लेडन हार्ट जो हैप्पी प्रिंस का था वो और डेड बर्ड जो थी उसको लेकर आया। द गॉड सेड दैट द एंजल हैड राइटली चोजन देम एज इन हिज गार्डन्स ऑफ पैराडाइज द लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर इवन मोर एंड इन अ सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज। तो जो गॉड थे उन्होंने कहा कि ये एंजल जो है वो बिल्कुल सही चीज़ लेकर आया है क्योंकि उनका जो गार्डन है पैराडाइज का वहाँ पर ये जो है बर्ड है ये हमेशा और अच्छे से गाती रहेगी और उनकी जो सिटी ऑफ गोल्ड है वहाँ पर हैप्पी प्रिंस जो है वो हमेशा जो है उसकी तारीफ करता रहे। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।